क्या पढ़ना है? दैट द टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, फ्रॉम द इंडस्ट्री टू द कस्टमर। कितना करना है, कैसे करना है? एक सेकंड शुक्ला जी, क्लास के बाद कर लें। क्लास बताइए बताइए। एक सर्विसमैन का रजिस्ट्रेशन हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। आपको वेटेज नहीं मिलता, एक परसेंटेज उनके लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। हाँ, तो उस पे तो हो ही नहीं सकता ना। जब भी एक पोस्ट, हाँ, एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही एक सर्विसमैन को, बस और कुछ नहीं मिलेगा। एक पोस्ट पर तो कोई रिजर्वेशन लागू ही नहीं होता रजिस्ट्रार साहब। हाँ, एज रिलैक्सेशन मिलता है, हमेशा मिलता है। यस यस यस, देख। अरे हितेश लव को आपने दिया? एज का रिलेक्शन से नहीं देते तो उनको अप्लाई नहीं करने देते हम लोग। हाँ, ये नहीं, 57 साल तक कर सकता है, माने एज रिलेक्सेशन तो उसको मिला ना, अंतिम 5 ही साल तो रहा, तो किसी भी पद पर एज रिलेक्सेशन देते हैं। तो हम अभी मिलेंगे आपसे बात। थैंक यू। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि कभी कभी मान लीजिए किसी भी पदार्थ की बात हम लोग कर रहे थे। सपोज किया हम लोगों ने एक फैन की बात किया, फैन पर 100 रुपए टैक्स लगाया, तो हो सकता है कि 100 रुपए कस्टमर पर ट्रांसफर कर दें, तो हम क्या कहेंगे? फुल्ली ट्रांसफर्ड। हो सकता है कि अगर हम 100 करें तो कस्टमर भाग जाए, तो केवल हम 50 रुपए ट्रांसफर करें, तो हम क्या कहेंगे? पार्शियली ट्रांसफर्ड। सवाल है, हम एक भी पैसा ट्रांसफर ना कर पाए और सारा का सारा अपने प्रॉफिट से कहेंगे, तो कहेंगे नॉट फॉरवर्डेड एट ऑल। ये कब होगा, कैसे होगा, यही हमको पढ़ना है। इस टैक्स शिफ्टेबल? यस, शिफ्टेबल क्यों है? क्योंकि लगाया ही जाता है किसी और के ऊपर, विवर्तनीय तो होता ही है। तो कर कैसा होता है, कौन सा कर? हम लोग अभी तो यही कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, या कमोडिटी पर लगने वाला टैक्स, या सेवाओं पर लगने वाला टैक्स क्या होता है? कर विवर्तनीय होता है, विवर्तनीय। लेकिन यह पूर्ण विवर्तनीयता संभव है, आंशिक संभव है, या शून्य संभव है, ये किस पर निर्भर करता है, यानी किस तरीके से इन चीजों पर प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों को ये पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले क्लियरली डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। पहली तो बात करेंगे बाजार के प्रकार की, टाइप ऑफ मार्केट। और हम वैसे तो कई जगहों में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम केवल दो ही जगह पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि ये पढ़ा है, एंड मोनोपोली यानी एकाधिकार, हमने दो ही पढ़ा है बीए वन में, इसलिए दो में ही पढ़ेंगे। हालांकि किताबों में हो सकता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली दिया हो, लेकिन वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। नंबर, दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ टैक्स। पहले क्या पढ़ा? मार्केट। दूसरी तरह चीज क्या पढ़ी? टाइप ऑफ टैक्स। तो कौन कौन सा पढ़ेंगे? पर यूनिट टैक्स, और दूसरा क्या पढ़ते हैं? लंप सम टैक्स। तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे? कंडीशंस ऑफ टैक्स। कंडीशन का मतलब होगा यहां पर प्रोडक्शन की कंडीशंस, इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशन, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं हमेशा? डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस। बाजार की दशाएं में क्या है? वर्तमान लागते हैं, स्थिर लागते हैं, ह्रासमान लागते हैं। मैंने तीनों चीजें लिख दी। मान लीजिए कि इम्तहान में प्रश्न आ जाए, सिंपल प्रश्न आ जाए, कर विवर्तन के बारे में लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? याद रखिए, लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता, लिखना है पर यूनिट टैक्स, और लिखना है कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशंस।
माने हमें लमसम नहीं लिखना है, हमें एकाधिकार नहीं लिखना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं लिखना है। 90%, 99% आई शैल टेल यू कि बिल्कुल सिर्फ यही लिखना है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रति इकाई कर का विवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स पर यूनिट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हो सकता है कि लिखा हुआ आए, एकाधिकार में कर परिवर्तन कितनी बार लिखा हुआ आएगा, 2/100 अगर आएगा तो हमें ये दिखाना पड़ेगा। हो सकता है कि लिखा हुआ आए लंपसम टैक्स कितनी बार लिखा हुआ आएगा, 1/100 यानी 100 सालों में एक बार, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में तो सिर्फ चार चार लाइन लिख के छोड़ देना होता तो मुख्य क्या पढ़ना है, लेट अस बी वेरी क्लियर। परफेक्ट कंपटीशन में पर यूनिट टैक्स कांस्टेंट कॉस्ट में कैसे शिफ्ट होता है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। मैं पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसी से मैं एक एल्जेब्रिक फॉर्मुलेशन डेवलप करूंगा, फिर उससे मैं 5 डायग्राम बनाऊंगा। यही लिखना होगा 99%, 99%। तो अब हमारी हेडिंग क्या हो गई, टैक्स शिफ्टिंग कर विवर्तन। डायग्राम बनाते जाइएगा, साथ में किताबों में भी मिल जाएंगे, ज्यादा ही मिल जाएंगे हमसे भी। टैक्स शिफ्टिंग, हमने अपने आप क्या जोड़ लिया है, परफेक्ट कंपटीशन। लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख दिया, इन परफेक्ट कंपटीशन। और साथ में क्या जोड़ लिया है, पर यूनिट टैक्स। पर यूनिट टैक्स के नाम से भी आ सकता है एक्साइज ड्यूटी या सेल्स टैक्स, या अब नया नाम आ गया है सप्लाई डिमांड को काटेगी, तो ये हो गया P0 और ये हो गई कमोडिटी X0। मान लीजिए हमने ऊपर लिखा कमोडिटी का नाम है चीनी, कि वो बिल्कुल पैरेलली ऊपर चली जाएगी, सप्लाई प्लस टैक्स ये बिल्कुल पैरेलल होगी। अगर ये लाइन ठीक पैरेलल नहीं है तो आपको पैरेलल बनानी पड़ेगी। ये हमारी लाइन शायद बिल्कुल पैरेलल नहीं बन पाई है, दिस विल बिकम पैरेलली अपवर्ड्स, क्योंकि हर जगह टैक्स कितना होगा, 2 रुपए। कहीं भी नापेंगे तो टैक्स कितना होगा, 2 रुपए टैक्स होगा, 2 रुपए ज्यादा टैक्स नहीं होगा। यानी ये अंतर हर जगह बराबर रहना चाहिए। प्रति इकाई माने जितनी इकाई चीनी बेचोगे उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अगर आपने 10 किलो चीनी बेची तो इतना टैक्स है, जैसे यहां पर आ गए तो जितना कम जितना ज्यादा ये टैक्स उतना ही पड़ेगा, दिस विल रिमेन सेम। ये जो बीच की लाइन है इसकी जो चौड़ाई है वो बराबर। अब हमने बना दिया सप्लाई प्लस टैक्स, तो जब नई रेखा पर देखेंगे तो जो इक्विलिब्रियम पहले जेड पर था अब वो क्यू पर चला गया, अब वो क्यू पर चला गया। तो हमको क्या करना है, क्यू से एक लाइन पैरेलली ऊपर खींच देनी है जो P1 पर कहलाएगी, और एक लाइन ध्यान से देखिए नीचे की ओर खींच देनी है जो क्या कहलाएगी, X1। ये था X0 तो ये हो गई X1। तो जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है दैट इज Z, Z पर जो हमारा प्राइस है वो है OP0।
और जो क्वांटिटी हम बेच रहे हैं वो है ओ एक्स जीरो। अब चेंज होकर इक्विलिब्रियम बन गया क्यू, क्यू जो इक्विलिब्रियम हो गया क्या हो गया, आफ्टर टैक्स करके बाद, और नया प्राइस हो गया ओपी वन और नई डिमांड हो गई ओ एक्स वन। अब जरा ध्यान से देखिए, जो कंज्यूमर चीनी का दाम 40 रुपए देता था अब उसको ज्यादा देना पड़ रहा है। कितना ओपी वन कितना है अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम यहां से नापें क्यू वन से नापें तो जो टोटल टैक्स है वो तो इतना है ना, कितना है ध्यान से देखिए, अगर हम एक नीची लाइन यहां से और खींच दें तो यहां से टोटल टैक्स तो इतना है, तो टोटल टैक्स को लिखा क्यू टी, टोटल टैक्स को लिखा क्यू टी। कहीं से भी सीधी रेखा खींचेंगे हर जगह ये बराबर ही आएगी, क्योंकि कितना सरकार ने टैक्स लगाया, 2 रुपया लगाया। तो क्यू टी में से दाम कितना बढ़ा है, पी जीरो पी वन। तो जो पी जीरो पी वन है ये कौन दे रहा है, उपभोक्ता, कौन दे रहा है, उपभोक्ता। लेकिन जो बाकी है वो किसके प्रॉफिट से जा रहा है, यहां पर लिखना पड़ेगा पी टू। देखिए टोटल तो 2 रुपए देना था, अगर कंज्यूमर ने 1 रुपए दिया तो ये बाकी कौन पैसा दे रहा है, यानी पी जीरो पी टू कौन दे रहा है, उत्पादक। ध्यान से देखिए, पूरा टैक्स शिफ्ट नहीं हुआ, सरकार ने तो 2 रुपए टैक्स लगाया था लेकिन पूरा टैक्स शिफ्ट नहीं हुआ, थोड़ा पार्ट गया, क्योंकि जैसे ही चीनी का दाम बढ़ाया, अगर चीनी की मांग बहुत कम हो गई, हमारे पास चीनी का स्टॉक बहुत है, पीछे गन्ना बहुत पैदा हुआ है, मिलों में चीनी बहुत पड़ी हुई है, व्हाट विल बी डन, हमारे से अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम अनसोल्ड स्टॉक्स कितने रखेंगे अपने पास। तो जो प्राइस बढ़ेगा वो तो कंज्यूमर की जेब से जाएगा, लेकिन जो हम देखें ध्यान से, ओरिजिनल कितना मिल रहा है किसको, हमारे प्रोड्यूसर को, उसको तो बेचारे को ओपी टू मिल रहा है। तो ओपी टू प्राइस मिल रहा है हमारे किसको, उत्पादक को, और ओपी वन प्राइस दे रहा है वो, और ये पैसा जो सरकार की जेब में टैक्स के रूप में जा रहा है, कर के रूप में जा रहा है, इसमें से कुछ किसने दिया, उपभोक्ता ने, और किस किसने दिया, उत्पादक ने। जो जिसने दिया उसको हम कहेंगे कि ये कैसा हुआ, ये हुआ पार्शियल, ये क्या हुआ, आंशिक। सवाल ये है कि ये जो पार्शियल हुआ, इसमें से इस चित्र में तो हमने देखा कि उपभोक्ता या उत्पादक पर कितना कितना प्रभाव पड़ा, यहां डायग्राम में दिख गया, लेकिन कब पूरा उपभोक्ता पर चला जाएगा, कब पूरा उत्पादक पर चला जाएगा, ये किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, टैक्स बर्डन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किस पर आया, लगाया कौन सा टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, पर यूनिट टैक्स लगाया था, और इस हिसाब से हमने ये शिफ्टिंग की। अब जरा हम देखें कि कब किस पर कितना पड़ेगा, इसके लिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं टोटल पड़ेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रेगुलर फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, मैं इसको अभी प्रूव करूंगा, पहले सूत्र को प्रूव करने से पहले कुछ और चीजें बताऊंगा। सूत्र क्या है कि कर का भार इन चीजों पर निर्भर करता है, किस पर, पूर्ति की लोच बटे मांग की लोच, यानी पूर्ति की लोच माने सप्लायर अपनी कीमतों में कितना परिवर्तन कर सकता है, और मांग की लोच माने कीमतों में कितना मांग में परिवर्तन हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल 3 डायग्राम और बना रहे हैं, फिर हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, या बल्कि 3 के बाद हम पहले 5 डायग्राम बना देंगे, उसके बाद एक फॉर्मूला बना देंगे, और फिर एक जनरल रूल लिखेंगे। जनरल रूल क्या लिख रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, हमने इसको लिखा है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बना दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो कहीं पर भी प्रूफ भी कर दूंगा, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन आप अगर खुद 3 डायग्राम बनाएं, एक हमने ये बनाया, उसी चीज की बात कर रहे हैं, उसी समय की प्राइस की बात कर रहे हैं, और लगभग उन्हीं चीजों की डिस्कशन कर रहे हैं।
अब जरा हमने देखिए क्या किया। पहले चित्र में हम सप्लाई, सप्लाई माने कौन सी होती है, जो बाएं से दाएं ऊपर जाती है, इसको बहुत लोचदार बना देते हैं। खूब लोचदार माने इलास्टिक। इलास्टिक का क्या मतलब है? कीमत में होने वाला परिवर्तन कम और पूर्ति में होने वाला परिवर्तन बहुत ज्यादा। देखिए कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, इतना, लेकिन मांग में कितना परिवर्तन हो गया, बहुत ज्यादा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने कैसी बनाई, ग्रेटर देन वन, बहुत ज्यादा बना दी, खूब लोचदार बना दी, है ना। ये प्रीवियस में पढ़ा है इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। मांग वक्र हमने बनाई जिसकी लोच हमने कम रखी। देखिए ध्यान से, सीधी सीधी है। अब अगर आप देखें तो इतना कीमत में परिवर्तन करके देखिए, इतना मांग में परिवर्तन कितना हो रहा है, देखिए बहुत कम, मांग इतनी बदल रही है और कीमत में इतना। तो हमने इस चित्र में क्या बनाया है, ध्यान से देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। अब अगर हम क्या करें, जरा ध्यान से देखिए, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम हमेशा वैसा ही बनाइए, ओ एक्स जीरो, और प्राइस भी हमेशा वैसा ही बनाइए, ओ पी जीरो, और हमेशा इसका नाम रख दीजिए जेड, ताकि कंपैरिजन करने में आसानी रहे। अब हम क्या करें, टैक्स बढ़ा दें। ध्यान से देखिए, टैक्स अब हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पैरेलल लाइन इसके ऊपर खींचते चले जा रहे हैं, पैरेलल लाइन इसके ऊपर खींचते चले जा रहे हैं। हर जगह टैक्स कितना है, कभी भी सीधी लाइन खींचिएगा तो इतना ही टैक्स आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा टैक्स। अब जैसे ही हमने टैक्स लगाया तो नई कीमत कौन सी हो गई, देखिए ध्यान से, पी वन। नई डिमांड कितनी हो गई, ध्यान से देखिए, एक्स वन। लेकिन जरा मजे की बात देखिए कि अब इस पॉइंट का नाम हमने हमेशा क्यू रखा था, इस वाले पॉइंट का नाम टी रखा था, तो टोटल टैक्स कितना हो गया, टोटल टैक्स इज इक्वल टू क्यू टी, और बीच में इस पॉइंट का नाम हमने रखा था शायद एम। तो अगर हम टी से एक रेखा खींचे नीचे की ओर तो नीचे आ गया हमारा पी टू, ऊपर चला गया पी वन। साफ साफ क्या दिख रहा है, कर का भार 80-90% किस पर पड़ रहा है, ओपी वन जो है, ओपी जीरो ये बड़ा हिस्सा है और उत्पादक पर छोटा हिस्सा आ रहा है। यानी टैक्स बर्डन इस चित्र में क्या सफाई दे रहा है, टैक्स बर्डन, कर का भार इज ग्रेटर देन किसके, ग्रेटर ऑन, ग्रेटर ऑन कंज्यूमर एंड वेरी लिटिल ऑन प्रोड्यूसर। अगर मांग कैसी है, लोचदार। लोचदार का मतलब क्या है, अलग। लेकिन यहां हमने कौन सी मांग ली है, बेलोचदार। मांग कम होती ही नहीं, मान लें इस वस्तु क्या है, नमक, नमक पर सरकार टैक्स लगा दे तो मांग तो कम होती ही नहीं ना, पूर्ति तो लोचदार बना दी, मांग तो कम होती ही नहीं हमारी। तो अगर मांग कम नहीं हो रही है तो क्यों उत्पादक अपने ऊपर टैक्स का भार रखेगा, वो किस पर शिफ्ट कर देगा, उपभोक्ता पर, कंज्यूमर पर। सिंपल सी बात क्या है, जब भी पूर्ति में लोच ज्यादा हो और मांग में लोच कम हो, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टैक्स बर्डन किस पर ज्यादा पड़ेगा, उपभोक्ता पर, और किस पर कम पड़ेगा, उत्पादक पर। अब हम अगले डायग्राम में इसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। अब की बार क्या कर रहे हैं, मांग को देखिए लोचदार बना दे रहे हैं खूब, और पूर्ति को हम क्या कर रहे हैं, कम लोचदार बना रहे हैं। बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
कि हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, मांग को खूब लोचदार बना दिया, उसको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट मांग दिख रही है, यानी काफी कम कीमत में ज्यादा परिवर्तन से मांग में बहुत कम परिवर्तन होगा, लेकिन पूर्ति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। अब फिर से उन्हीं पॉइंट्स को लिखिए, इनको बनाइए, इस पॉइंट का नाम हमेशा क्या लिखिए, जेड, ठीक है ना, ये हो गया पी जीरो, ये हो गया, नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल सीधे सीधे इसी के पैरेलल एक लाइन बढ़ाते चले जा रहे हैं, सप्लाई विद टैक्स, ये आ गई हमारी सप्लाई विद टैक्स की लाइन आ गई। जब सप्लाई विद टैक्स की लाइन आई तो ध्यान से देखिए क्या हुआ, नया कीमत बढ़कर हो गई पी वन नो डाउट, और नई मांग घटकर हो गई हमारी एक्स वन नो डाउट। तो टोटल टैक्स क्या हुआ, टोटल टैक्स के इस पॉइंट को हम लोगों ने, ऊपर वाले पॉइंट को हम लोगों ने रखा था हमेशा एम, नहीं क्यू, इक्विलिब्रियम को रखा था क्यू, नीचे वाले को रखा था एम, बीच वाले को, सॉरी, नीचे वाले को रखा था टी, ऊपर वाले को रखा था एम। अब देखिए कि कितना भार किस पर पड़ा, अब की बार उपभोक्ता के लिए दाम कम बढ़ा, उत्पादक के लिए दाम ज्यादा बढ़ा। क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या है, वो सप्लाई को बहुत चेंज ही नहीं कर सकता और मांग तो तुरंत घट गई। ऐसी चीज है कि भाई ठीक है, हम हमको अगर आप क्या कहते हैं, शरबत जो है मान लीजिए हमें पसंद है ऑरेंज का, ऑरेंज पे आपने टैक्स लगा दिया, हम लोगों ने क्या किया, आम का पीना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको ऑरेंज का बेचना है तो दाम बहुत कम बढ़ाइए, वरना तो हम विल शिफ्ट। तो अगर चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगी तो हम लोग इसको आराम से चेंज कर सकेंगे। अब आ जाइए तीसरी तरह की चीज पर, जहां हम क्या लिख रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब की बार हमने दोनों की इलास्टिसिटी लगभग लगभग एक बराबर रख दी है, बिल्कुल एक्स की तरह का डायग्राम बन जाएगा। निश्चित रूप से जब आप डालिएगा तो ये पी जीरो लाइन बन जाएगी, और ये लाइन क्या बन जाएगी, एक्स एक्स जीरो की लाइन बन जाएगी, एक्स जीरो पी जीरो। अब अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं, द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स अगर आप हर जगह बढ़ाते जाएंगे तो जितना उधर बढ़ेगा उतना ही इधर बढ़ेगा। ध्यान से देखिए, टैक्स का भार दोनों पर बराबर बराबर है। अगर आप खुद देख लें तो इसको लिख देंगे पी वन, इसको लिख देंगे पी टू, इसको लिख देंगे क्यू हमेशा की तरह से, इसको लिख देंगे एम हमेशा की तरह से, बीच वाली को सॉरी टी लिख देंगे और इसको एम लिख देंगे। तो एम क्यू बराबर एम टी, एम क्यू बराबर एम टी, यानी दोनों पर भार बराबर बराबर बट रहा है। तीन सिंपल सिचुएशन है, तीन सिंपल सिचुएशन है ना, जहां पर हमने क्या शो करने की कोशिश की कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूर्ति की लोच मांग की लोच से ज्यादा है, तो किस पर भार पड़ेगा, उपभोक्ता पर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किस पर ज्यादा भार पड़ेगा, उपभोक्ता पर, सॉरी उत्पादक पर। अगर दोनों बराबर है तो दोनों में बराबर बराबर बट जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और डायग्राम बना रहा हूं, पांच डायग्राम एक साथ बना दे रहा हूं, जिसमें मैं सप्लाई को कांस्टेंट रख देता हूं और डिमांड को शिफ्ट करके दिखा देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन बनेगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर मेकिंग फाइव स्मॉल काइंड ऑफ डायग्राम्स, कितने भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक ही में भी बना सकते थे, लेकिन हमने सोचा एक में बनाने की जगह पांच अलग अलग बना के दिखा दें। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई को कांस्टेंट रख रहे हैं, हर एक में सप्लाई को एक बराबर बना देते हैं, ठीक है, वी आर कीपिंग सप्लाई इक्वल ऑन ऑल। अब सप्लाई की रेखा को लगभग एक सा बना दीजिए, लगभग एक सा बना दीजिए, लगभग एक सा बना दीजिए, सब में एक सा बना दीजिए, कोई थोड़ा बहुत अंतर होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब की बार डिमांड उल्टी कर दीजिए, अब की बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को
एक दफे तो कर दीजिए कि बिल्कुल शून्य बेलोचदार, पूरी तरीके से बेलोचदार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। या अब की बार आप ऐसा करिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम थोड़ा थोड़ा सा घटाएं, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। फिर अब की बार बनाएं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन। यहां आपकी बार बनाए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, बहुत ज्यादा बना दिया। और यहां बना दें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी, इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्लास के बाद बात करेंगे भैया, ठीक है? तो अब हमने इसको बनाने से क्या फायदा हुआ? अब देखिए हमने यहां क्या बनाया है, देख लीजिए अपने आप। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। केवल हमने डिमांड की साइड से शो करने की कोशिश की। अब हमने सबकी सप्लाई रेखा को ऊपर की ओर बढ़ा दिया। हम कमोडिटीज के नाम भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा भी। तो हमने क्या किया, सब में सप्लाई, क्योंकि टैक्स लगेगा तो हमेशा सप्लाई पर ही ऊपर का प्रभाव पड़ेगा, तो हमने क्या किया, सब पर सप्लाई को बढ़ा दिया। अब जरा मजेदार चीज देखिए, यहां पर हालत देखिए प्राइस की क्या हुई। P0 से P1 हो गया, डिमांड पर तो फर्क ही नहीं पड़ा, डिमांड तो चेंज ही नहीं हुई, ये तो एक जीरो ही रहा। मान लीजिए जीवन रक्षक दवाइयां हैं, तो जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, कितना भी सरकार टैक्स लगा दे, क्यों लेगा उत्पादक अपने सर पर? वाई शुड ए प्रोड्यूसर टेक ऑन हिज ओन, उसको लेने की क्या जरूरत है ना? ही विल नॉट टेक इट एट ऑल, उसको अपने सर पर लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वो सारा का सारा टैक्स भार देख लीजिए P0 से P1 कर दिया, तो यहां पर सारा भार किस पर पड़ रहा है, उपभोक्ता पर, कंज्यूमर पर। तो कंज्यूमर हैव टू पे द होल ऑफ द बर्डन, होल ऑफ द बर्डन। क्यों? इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, अगर मांग की लोची नहीं है, पूर्णता बेलोचदार है, तो उत्पादक अपने सर पर क्यों भोर रखेगा, सारा का सारा टैक्स का भार चुका देगा किसी दूसरे के ऊपर। अब अगर यहां पर देखें तो बहुत आपको खुद दिखाई देगा कि ये था हमारा, हमेशा हम लोगों नाम नंबर जरूर डाला कीजिएगा। जैसे हम लोगों ने इसको हमेशा क्या रखा है, जेड, और इसको क्या रखा है, क्यू। इसको रखा है जेड, इसको क्या रखा है, क्यू। अब अगर आप देखें ध्यान से तो क्या दिख रहा है, क्यू से लाइन खींचने पर X1 आएगा, इससे लाइन खींचने पर X0 आएगा। वहां तो डिमांड घटी नहीं रही थी ना, डिमांड वो सेम, यहां तो डिमांड घटी। तो जब डिमांड घटी, इसका मतलब है कि मांग में कुछ लोच तो है, लेकिन बहुत कम है, कंपैरेटिवली मांग की लोच बहुत कम है। यानी ज्यादातर, जैसे हम लोगों ने कहा, नमक जैसी वस्तुएं, इन पर अगर टैक्स लगेगा तो सरकार तुरंत दाम बढ़ा देंगे। लोग क्यों बढ़ा देंगे, ये देखिए P1, ये देखिए P0, और बहुत कम टैक्स खुद बियर करेंगे। देखिए खुद बहुत कम टैक्स बियर करेंगे, हाउ लिटिल दे विल बियर, दे विल बियर ओनली अगर टोटल टैक्स हम लोगों ने QZ रखा है हर जगह, यहां पर QM आ गया, तो QM में से इतना हिस्सा कौन दे रहा है, उत्पादक, और इतना हिस्सा कौन दे रहा है, उपभोक्ता, और नीचे वाला हिस्सा कौन दे रहा है, उत्पादक दे रहा है। तो जितने दाम बढ़ते हैं, दैट इज बीइंग पेड बाय द कस्टमर, और जो बाकी टैक्स का भार है, दैट इज बीइंग पेड बाय द प्रोड्यूसर। एक चीज याद रखनी है, अगर मांग बेलोचदार है तो मांग तो घटने वाली नहीं, इसलिए सारा का सारा टैक्स डाल देगा उसके ऊपर। दूसरी बात, अगर मांग बहुत ज्यादा कम लोचदार है, बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो भी ज्यादा हिस्सा किस पर डालने की कोशिश करेगा, कंज्यूमर पर डालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखिए कि बराबर की लोचदार है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन है, अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें, तो आप अपने आप देखिएगा कि जो भार है P0 से, जितना दाम बढ़ता है P1, लगभग उतना ही देना पड़ जाता है किसको, उत्पादक को।
यहां पर जरा देखिए कि डिमांड ज्यादा तेजी से घट रही है। यहां मांग की लोच कितनी है? इकाई के बराबर, यानी जितना दाम बढ़ता है उतनी ही मांग घट जाती है। द चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू द चेंज इन डिमांड। नतीजा क्या है? बिल्कुल सिंपल है, दोनों जनों को कर का भार वहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मांग की लोच बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें उपलब्ध है मार्केट में उसके वर्थ वर्थ चेंज के लिए, तो जरा ध्यान से देखिए कि टोटल कर का भार का कितना सा हिस्सा पड़ेगा प्रोड्यूसर के ऊपर और कितना पड़ेगा कंज्यूमर के ऊपर। यहां पर निश्चित रूप से क्योंकि मांग बहुत तेजी से घट रही है, ज्यादा हिस्सा प्रोड्यूसर को अपनी जेब से देना पड़ेगा, कंज्यूमर को अपना हिस्सा कम देना पड़ेगा। दिस विल बी हायर देन दिस वन। और यहां पर क्या होगा? केवल मांग घटेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, पक्का पूरा का पूरा किसको देना पड़ेगा? निश्चित रूप से उत्पादक को देना पड़ेगा। तो ज्यों ज्यों मांग की लोच बढ़ती जाएगी उत्पादक को ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यों ज्यों मांग की लोच घटती जाएगी उपभोक्ता को ज्यादा देना पड़ेगा। यही हालत सप्लाई के लिए होगी। हम चाहें तो 15 चित्र बनाएं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने तो इसीलिए शुरू में ही 3 चित्र बना दिए। 3 चित्र बिल्कुल क्लियर हैं कि इलास्टिसिटी सप्लाई बटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, अगर मांग की लोच ज्यादा है सारा भार उपभोक्ता देगा, अगर उत्पाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर उत्पादक को सारा हिस्सा देना पड़ेगा। यानी कर का जो बंटवारा होता है वो होता है इलास्टिसिटी सप्लाई बटे इलास्टिसिटी। अब मैं यहां एक छोटा सा चित्र और बना दे रहा हूं जिससे कि अगर बाई द वे कोई क्वेश्चन आ जाए, बाई द वे कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो आना नहीं है फिर भी बाई द वे आ जाए तो आप सॉल्व कर सकें। देखिए हम लोगों ने क्या किया है किसी भी चित्र में, एक हमने बनाया है डिमांड की रेखा, एक बनाई है सप्लाई की रेखा, और हमने लिखा है हर जगह पर यूनिट टैक्स। और ये वाला डायग्राम तो आप जानते ही, हमेशा कब बनता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बनता है। तो हमने क्या किया, पर यूनिट टैक्स में पैरलेली रेखा को ऊपर बढ़ाया है, पैरलेल, बिल्कुल पैरलेल, यानी जो भार है वो बराबर बराबर दोनों के बीच में रहे। कहीं यहां पर जितना नापिएगा उतना ही आपको यहां पर भी नापना पड़ेगा, यानी किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो बराबर है क्योंकि हर इकाई पर कर लग रहा है। लेकिन अगर इम्तहान में मान लीजिए आ जाए लंप सम टैक्स, तो क्या बहुत अंतर पड़ जाएगा? आएगा ही नहीं पहली बार, 1/100। लेकिन अगर आ ही जाए तो क्या करना है? चालाकी करनी है, इस लाइन को थोड़ा और नीचे तक ले जाना है। लंप सम टैक्स में यहां पर एक बार में लग गया टैक्स, यहां से लाइन शुरू करेंगे और धीरे 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 नजदीक लेते चले जाएंगे, धीरे 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 नजदीक लेते जाएंगे। एक मुश्त कर में क्या करना है, एक मुश्त कर में ये जो डिस्टेंस है शुरू में बहुत ज्यादा, एक ही बार में दुकान से लग गया टैक्स, उसके बाद ये धीरे धीरे ध्यान से देखते जाइए ये घटता चला जाएगा, जुड़ेगा नहीं कभी क्योंकि टैक्स तो देना ही पड़ेगा, नंबर यूनिट्स बढ़ती चली जाएंगी लेकिन जो नंबर ऑफ टैक्स है वो कम करते रहना पड़ेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज ए लॉट। तो अगर लमसम टैक्स आ जाए तो डायग्राम ही सिर्फ बदलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। लमसम टैक्स में थोड़ा इधर से शुरू कर दीजिए इसको सप्लाई रेखा को, और दूसरी सप्लाई रेखा को इसके पास लाते चले जाइए। दिस इज नोन एज लंप सम टैक्स। कोई चीज ऐसी थी जो मुश्किल थी अभी तक, कोई डायग्राम, कोई चीज जो कठिन लग रही हो? नो सर, आराम से बना सकते हैं। कर विवर्तन में हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? अभी पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ी, और पूर्ण प्रतियोगिता में ज्यादातर क्या पढ़ा? प्रति इकाई कर पढ़ा।
नतीजा क्या निकाला? सिंपल, कर का भार उत्पादक पर कब ज्यादा होगा और उपभोक्ता पर कब ज्यादा होगा? When the higher tax will be paid by the producer and when it will be paid by the consumer? हम लोगों ने क्या कहा? ये निर्भर करता है मांग और पूर्ति की लोचों पर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कोई आदमी कहेगा, सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बटे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग एक थ्योरिटिकल अध्ययन कर रहे हैं, एक सैद्धांतिक अध्ययन कर रहे हैं। ये जो आज मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं, ये किताब में लिखी हुई नहीं होती, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ना तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, वी नो परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज वेरी लिटिल, संभावना कम होती है। दूसरी बात, जो पूर्ति की लोच होती है, हमेशा याद रखिए उसमें चेंज बड़ा कठिन होता है। अब इस चीज को अगर आपने कहीं धोखे से दिमाग में रट लिया तो ये काम में बहुत जगह आएगी। देखिए ध्यान से, चाहे गेहूं की बात हो चाहे चावल की बात हो, पूर्ण प्रतियोगिता औद्योगिक वस्तुओं में तो होती ही नहीं, वहां तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और बाकी चीजें होती हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, तो गेहूं का उत्पादन 6 महीने बाद आता है या 1 साल बाद आता है, चावल का उत्पादन भी 1 साल बाद आता है। एक बार उत्पादन आ गया तो दैट कंटिन्यूस फॉर ए होल ईयर। तो सप्लाई में जो चेंज होता है कंपैरेटिवली कम होता है। ऐसा नहीं होता कि कल एकदम से मूंगफली के दाम बढ़ जाएं, एकदम से बढ़ते चले जाएं, तो क्या भारत में अचानक मूंगफली बहुत बढ़ जाएगी? अब तो इट इज पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि विदेशों से मंगा लेंगे, ठीक है ना। तो सप्लाई का चेंज कंपैरेटिवली उतना नहीं होता। डिमांड में क्यों होता है? डिमांड में इसलिए होता है कि देर आर वेरियस गुड्स, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं जो खराब हो सकती हैं, जिनकी सप्लाई लेस इलास्टिक होती है, जैसे दूध है, अंडा है, सब्जी है, उनकी डिमांड में इलास्टिसिटी बढ़ सकती है ना, लेकिन सप्लाई की इलास्टिसिटी उतनी चेंज नहीं होती। इसीलिए जब भी इन लोगों ने नापा, किन्होंने नापा, ये तो पूर्ण प्रतियोगिता देने वाले कौन अर्थशास्त्री थे? क्लासिकल अर्थशास्त्री थे। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की तुलना में, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को उन्होंने क्या मान लिया? एक ऐसा वेरिएबल जिसके चेंजेस कम है। इसलिए फॉर्मूला उन्होंने क्या लिखा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर सप्लाई की इलास्टिसिटी ज्यादा है या सप्लाई की इलास्टिसिटी कम है, जैसे दूध में, अंडे में, सब्जी में इलास्टिसिटी कम होगी, तुरंत खराब हो जाएगी, उसको बेचना ही बेचना है। नुकसान किसको होना चाहिए? उत्पादक को। मांग कम हो गई तो कौन झेलेगा? उत्पादक, क्योंकि अगर उसने नहीं बेचा तो उसका सामान खराब हो जाएगा। तो उन्होंने सप्लाई को लॉन्ग रन से जोड़ा, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ऊपर रखते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नीचे रखते हैं। कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो पहले 3 डायग्राम कौन से बनाते हैं? इलास्टिसिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, इज इक्वल टू डिमांड एंड लेस देन डिमांड। तो सबसे पहले वही 3 चित्र बना के समझाते हैं, एंड देन वॉट वी डू इज, हम क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वी ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से पूर्ति की लोच में होने वाला परिवर्तन प्रभाव करता है मार्केट में, प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स में दोनों पर भार किस पर पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन बेसिकली इलास्टिसिटी सप्लाई अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें कोई बड़ी मुश्किल चीज पढ़ने के लिए नहीं है। शुरू तो मैं मोनोपोली भी आज कर सकता था, इस चैप्टर को खत्म कर सकता था, लेकिन 6 7 8 मिनट बचे हैं तो आई डोंट थिंक कि आई विल बी एबल टू फिनिश इट। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि इसके बाद मैं एक बार ये खत्म करने के बाद फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पर आऊं, 2 3 थ्योरीज पढ़ा दूं, और थोड़ा फिर मैं फिस्कल पॉलिसी पढ़ाना चाहता था, मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ाना चाहता था, दैट वॉज वॉट इट इज। समय हम लोगों पर, आप जानते ही, शायद अप्रैल में इम्तहान करने की बात कर रहे हैं, तो हमें हम लोगों के पास समय तो पर्याप्त है। जैसा आप लोगों को कुछ भी पूछना हो पूछिए, और नहीं है तो सब आता, तो आज हम क्लास को थोड़ा पहले ही ऑफ कर देते हैं, मोनोपोली कल पढ़ा देंगे। हाँ सर, श्रद्धा जी, जब
जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होता है तो फिर टैक्स का बर्डन किस पे? अभी अभी तो डायग्राम बनाया था, दोनों डायग्राम बना देता हूँ, लंप सम टैक्स भी बना देता हूँ। दो डायग्राम की बात, डिमांड इज, चलिए प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एम आर ये होती है, श्रद्धा यादव जी याद है, यस सर। ए आर को हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते। यस सर। अब जरा बताइए, सीधी सी बात बताइए, ये था सप्लाई कर्व, अब टैक्स लगकर ये हो गया सप्लाई कर्व, क्या चीज घटी, डिमांड प्राइस में कोई चेंज हो सकता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो प्राइस टेकर होते हैं, अगर एक फर्म की बात करें उद्योग से, अगर हम किसी एक फर्म की बात करें तो क्या होता है, हर फर्म के लिए मांग वक्र कैसा होता है, गिवन ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू डिमांड कर्व, उसमें ना वो प्राइस बढ़ा सकता है ना वो प्राइस घटा सकता है, तो या तो उसकी मांग घट जाएगी और या इतना पैसा उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। नो बर्डन ऑन कंज्यूमर, नो बर्डन ऑन कंज्यूमर, डाला नहीं के भाग गया। आपने गेहूं का दाम 8 आने बढ़ाया, सब लोग दूसरी दुकान से लेने लगे, टैक्स सरकार को चाहिए तो लेगी उत्पादक से, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको अपने प्रॉफिट से देना पड़ेगा, चाहे जहां से देना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। तो जब भी डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होगी, यानी एक फर्म की ले समझ लीजिए, तो फर्म की जगह अब उद्योग ऐसा हो गया, तो पूरी की पूरी कीमत किसको देनी पड़ेगी, लागत किसको देनी पड़ेगी, टैक्स किसको देना पड़ेगा, निश्चित रूप से प्रोड्यूसर को देना पड़ेगा, कंज्यूमर पर कोई टैक्स नहीं आ सकता। लंप सम का तो याद डायग्राम बनाया था हमने, क्या किया, ये एक इकाई है, हम कोई से मतलब नहीं, टोटल टैक्स हमने सरकार ने लगा दिया 100 रुपए, अब जैसे ही दूसरी इकाई बनेगी, तीसरी इकाई बनेगी, चौथी इकाई बनेगी, पांचवी इकाई बनेगी, तो ये रेखा नजदीक क्यों आती जाएगी, क्योंकि एक की जगह 2 पर टैक्स लगने लगा, 3 पर टैक्स लगने लगा, 4 पर टैक्स लगने लगा, 100 पर आते आते 1 रुपया टैक्स बचेगा बड़ी मुश्किल से। लम सम माने एक मुश्त कर लगा दिया, जितनी इकाइयां ज्यादा बिकेंगी कर अपने आप घटता चला जाएगा, ठीक है ना। तो सप्लाई कर्व की जो रेखा है वो दूर से शुरू होकर के पास तक आती चली जाएगी, यहां पर डिस्टेंस इतना है, यहां पर डिस्टेंस कम हो गया, यहां पर डिस्टेंस और कम हो गया, यहां पर डिस्टेंस और कम हो गया, यहां पर डिस्टेंस कम कम, यहां तक आते आते। लमसम टैक्स में कुछ करना ही नहीं है, इसमें हमने पर यूनिट टैक्स में बिल्कुल पैरेलल लाइन बनानी है, और लमसम टैक्स में हमने लाइन को दूर से शुरू करके नजदीक जाना है, किसमें, सिर्फ सप्लाई कर्व में, डिमांड कर्व में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं। समझ आ गई कि नहीं आ गई दोनों जनों को, दोनों ने सर सवाल पूछे थे, एक दूसरे ने भी सवाल पूछा था ना, कह रहा था दोबारा बताइए। आप बताइए क्या हाल चाल है, ठीक है सब, ऑल द बेस्ट, ठीक है, सचिन ने भी यस कह दिया, तो थैंक हाँ आज हम लोग छोड़ देते हैं, कल फिर यू। करेंगे, कुछ जो पूछना हो, अभी भी कोई चीज पूछना हो, डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई कर, बिल्कुल बेटा, ये गल अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, अभी तो इसमें इंक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीजिंग कॉस्ट पढ़ाना है, पहले मोनोपोली पढ़ाऊंगा तब, पहले मोनोपोली पढ़ाऊंगा तब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉस्ट पढ़ाऊंगा, कल
लेक्चर खत्म हो, कल मैंने अब अगले हफ्ते होगा क्योंकि कल तो मेरा एमए हो, 26 जनवरी की वजह से कल तो, थैंक यू ऑल। जी चलिए कम से कम अब यूनिवर्सिटी में आना जाना तो थोड़ा शुरू होगा, ऑफलाइन तो नहीं शुरू हो रहा, बट वी आर डूइंग इट। थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।